डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे वो टॉपिक हमारे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल केस, इक्वेटोरियल का केस, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जिनके डेरिवेशंस, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो आइए देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in an electric field of intensity 10 to the power 9 newton per coulomb directed upward। अब एक बात समझ लीजिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ, जिसकी डायरेक्शन है, जिसकी इंटेंसिटी है 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कॉइन रख दिया गया। अब कॉइन का जो वेट है वो नीचे को लगेगा mg, इसका वेट। फ्लोट होने के लिए इस पे ऊपर की तरफ आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। और फ्लोट होने का मतलब है कि ये कॉइन आपका इसी पोजीशन पे रुका रहे। तो वो रुके रहने की इकलौती कंडीशन हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फोर्स आपका बराबर हो जाए वेट ऑफ कॉइन के। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए वेट ऑफ कॉइन के, यानी कि ये जितना नीचे को जाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगा देगा तो वो अपनी जगह पे रुका रहेगा, वो कंडीशन फ्लोट कंडीशन कहलाएगी। तो यहां पे हम देखेंगे सॉल्यूशन हमको कैसे करना है इस क्वेश्चन का, कि हम सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। तो मास हमको दे रखा है 1.6 ग्राम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी, ठीक है। हमको फिर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ओके, फॉर फ्लोटिंग कंडीशन जो फ्लोट की कंडीशन होगी उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होना चाहिए वेट ऑफ कॉइन, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है क्यूई, ओके, क्यूई हमारा फॉर्मूला होता है और वेट हमारा होता है एमजी। फिर हम दोबारा जाएंगे, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछी गई है एन की वैल्यू, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाले जाए। तो एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है Q equals to Ne, इस Q की Ne ये वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका n e small e जो है यहां पे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू है, की की Q की जगह आपका Ne आ गया, E हो गया mg, आपको चाहिए n, तो n equals to mg upon e and e, m की वैल्यू मास आपका 1.6 into 10 की पावर माइनस 3, जी की वैल्यू हम यहां 10 ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है, ई हमको दे रखा है 10 की पावर 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे आ जाएंगे 9.8 इंटू 10 की पावर 7। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। हाँ, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 cm व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन नोट कर लीजिए, क्या है आपके पास, डिस्टेंस जो है वो 6 cm है, यानी कि 6 × 10⁻²⁻ मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपको दे रखा है,
तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट टाइम ऑफ ट्रेवल। ओके, तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है, यहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे हम, और आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ है आपका जो है न्यूटन्स का, ठीक है। तो जब दोनों ही वैल्यू एफ की है तो हम इक्वेट करें अगर, तो क्यू ई इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, यहां से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी क्यू ई अपॉन एम। वैल्यूज रख दीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। जब आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मिलेगी 0.35 इंटू 10 की पावर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब आप यहां पे इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन में देखिए कि जब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो यू आपका जीरो हो जाएगा, टी आपसे पूछा गया है, तो जब यहां पे जीरो पुट करेंगे व्हेन यू इक्वल्स टू जीरो, तो ये पोर्शन जो है ये जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। हमको चाहिए t की वैल्यू, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे हो जाएगा 2s, ये a जो है आपका वो डिवाइड में आएगा 2s अपॉन a इक्वल्स टू t स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू 2s अपॉन a पे आपका अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 2s की वैल्यू 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एक्सेलरेशन आपका आया है 0.35 इंटू 10 की पावर 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आपको मिलेगा 0.585 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड, दिस विल बी द आंसर। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम पहला चार्ज है एंड 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम दूसरा चार्ज है, आर 1 cm अपार्ट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पे है। What is the magnitude of the field produced by either charge at the side of the other? कह रहे कि ऐसे समझिए कि यहां पे आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, दोनों ही एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। कह रहे कि यहां पे इन पॉइंट्स को अगर आप मेरे कहने से ये भी मान लें तो कह रहे यहां A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसकी वजह से और B पॉइंट पे फील्ड क्या होगा इसकी वजह से। तो देखिए पहला केस जब आप नोट करेंगे, केस फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q1 ड्यू टू Q2, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है के क्यू इक्वल अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, जहां पे ये Q जो है वो सोर्स चार्ज है ना कि विक्टिम चार्ज, यानी कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करेंगे। तो हम निकाल रहे हैं आपका कहां पे Q1 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे Q2 की वजह से, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसका आएगा Q2 का, तो E2 K Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो 1 सेंटीमीटर है यही आपका R है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर बन जाएगा ये आपका। तो K की वैल्यू, K इज कॉन्स्टेंट हम सभी जानते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है इसकी वैल्यू, Q2 सेकेंड चार्ज आपका 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो E2 इक्वल्स टू ये आपका जो है वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। सेकेंड केस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2 ड्यू टू Q1, तो E1 इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर या R स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, 9 इंटू 10 की पावर 9 K की वैल्यू हो गई, Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम अपॉन 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो E1 इक्वल्स टू ये आपको मिल जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी द आंसर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4 माइक्रो कूलम एंड
प्लस वन माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस में है हवा में। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज जीरो। कह रहे हैं दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसपे कोई एक पॉइंट ऐसा पता लगाइए जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहां पे मान लीजिए यहां पे आपका प्लस 4 माइक्रोकूलम है जिसे मैंने Q1 कह दिया, यहां आपका प्लस 1 माइक्रोकूलम है जिसे मैंने Q2 कह दिया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दोनों ही एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो जीरो है, ठीक है। अब इस जीरो होने की कंडीशन ये है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया ए से एक्स डिस्टेंस पे है। जब ये ए से एक्स डिस्टेंस पे हुआ तो इधर की बची डिस्टेंस बची 2 - x। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्लियर सी, बहुत मामूली सी, कि जब ये डिस्टेंस मैंने x ले ली तो ये 2 में से माइनस करके डिस्टेंस बची 2 - x, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पी पे वो बाहर की तरफ हुआ, यानी कि ई ए इधर को, और जो इधर को लगेगा इसकी वजह से वो लगेगा ई बी। तो कहने की कंडीशन ये है कि यहां पे ई ए बराबर होना चाहिए ई बी। बात समझ में आ रही है? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तभी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हम लिखेंगे फॉर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई ए मस्ट बी इक्वल्स टू ई बी, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ई ए यानी कि यहां पे रखे चार्ज की वजह से तो के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के, अब इसकी बात करेंगे ई बी, तो के क्यू टू अपॉन ये जो डिस्टेंस है 2 - x का होल स्क्वायर। देखते रहिएगा, तो k से k आपका यहीं पे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा q1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू q2 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू रख दीजिए 4 माइक्रोकूलम अपॉन x स्क्वायर, और इधर आप रख दीजिए यहां पे 1 माइक्रोकूलम, q2 की वैल्यू 2 - x का होल स्क्वायर। दोनों ही माइक्रोकूलम में, तो माइक्रोकूलम माइक्रोग्राम का जो 10^-6 है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे तो लिख के सॉल्व कर दे -6 × -6, ये -6 से -6 आपका 10^ में जो है वो कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो 4 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम 2 2 - गौर से देखिएगा कि 4 को हम 2 और 2 - x जो ऑलरेडी है, अब इसको अगर कंप्लीट का स्क्वायर कर दे कोई प्रॉब्लम, बिकॉज मल्टीपल का साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हमारा x स्क्वायर है तो LHS के स्क्वायर से RHS का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 2 2 - x इक्वल्स टू एक्स, मल्टीप्लाई कराइए 2 2 = 4 और माइनस का 2x इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको जरा उधर भेज दीजिए तो 4 - जो माइनस का 2x है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस इक्वल्स एक्स प्लस 2x, तो ये आपका हो गया 3x, ठीक है। तो आपके पास हो गया 4 = 3x, तो x इक्वल्स टू आपका 4/3 मीटर। कहां से है, फ्रॉम ए पॉइंट से, तो यानी कि ए से यहां से आपका 4/3 मीटर पे वो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 ऑफ 10^-8 कूलाम एंड -10^-8 कूलाम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बी एंड सी शोन इन फिगर। ये एक क्वेश्चन से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मिड पॉइंट का, एक्सटर्नल पॉइंट का, और इक्वेटोरियल लाइन का केस आपका, इसी केस से आपके एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, देखते रहिएगा कैसे। अब मैं सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें Q1 यहां रखा हुआ है किसी पॉइंट पे, Q2 यहां है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 है।
सी पॉइंट जो है वो 0.1 0.1 दोनों से दे रखा है, ए पॉइंट दोनों के बिल्कुल इन बिटवीन है 0.05 0.05 मीटर पे, और बी पॉइंट दोनों ही चार्ज से एक्सियल लाइन पे दे रखा है जो पहले वाले से 0.05 पे है और दूसरे वाले से आपका इतनी डिस्टेंस पे ये आपका आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ए पार्ट की बात करना है कि ए पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा यानी कि E1। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की अपनी तरफ होगा E2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो है आपके E1 E2 सेम डायरेक्शन में है तो ये तो पता लग गया कि जो EA होगा वो E1 प्लस E2 होगा। अब हमें बस E1 और E2 की वैल्यू यहां पर रखनी है। अब आप एक बात और देखें कि हमने पढ़ा है सेंस E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां इस केस में देखें के इज कॉन्स्टेंट जो E1 E2 के लिए कॉमन होगा सेम होगा, Q चार्ज 10^-8 और 10^-8 माइनस मत देखिएगा मैग्नीट्यूड देखिएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो Q1 Q2 का बराबर है और डिस्टेंस देखिए ये भी 0.05 है और ये भी 0.05 है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 और E2 का वो बराबर होगा, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे Q1 इक्वल टू Q2 जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है वो आपका है 10^-8 कूलम, जो डिस्टेंस है R1 इक्वल टू R2 वो भी बराबर है वो है आपकी 0.05 मीटर। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो E1 इक्वल टू E2 K की वैल्यू 9 × 10^9 Q की वैल्यू 10^-8 कूलम R स्क्वायर 0.05 मीटर का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को तो आपको आंसर मिलेगा 3.6 × 10^4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फिर आपने ये जो इक्वेशन ली थी इसको वन कह के आप लिख दीजिए यहां पे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, जब वैल्यू आप EA में रखेंगे EA में E1 प्लस E2 की वैल्यू यानी कि 3.6 × 10^4 प्लस 3.6 × 10^4 तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7.2 × 10^4 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बाहर की तरफ होगा आपका E1, ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इसी की तरफ होगा E2। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन किसमें से कौन सा माइनस होगा तो आप देखिए जो करीब चार्ज है क्योंकि आपने पढ़ा है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका कॉन्स्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 Q2 का बराबर है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस देखिए Q1 की डिस्टेंस कम है Q2 की डिस्टेंस ज्यादा है तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो इस वजह से यहां पे लगेगा E1 - E2 क्योंकि E1 आपका जो है वो बड़ा है E2 से। ठीक है, रीजन क्योंकि R2 जो है वो बड़ा है R1 से, इस वजह से इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अब आपको यहां E1 और E2 अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो E1 आपका K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो K 9 × 10^9 Q1 आपका 10^-8 R1 डिस्टेंस क्या आएगी तो पहले चार्ज से जो डिस्टेंस है पॉइंट बी की वो है 0.05 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा यहां से 3.6 × 10^4 न्यूटन पर कूलाम, ये हमको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम E2 सॉल्व करेंगे तो E2 होगा आपका K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, तो K 9 × 10^9 Q2 10^-10 कूलाम, R2 डिस्टेंस देखिए 0.1 प्लस 0.05
तो 0.15 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 4 × 10³ न्यूटन पर कूलम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट आपका ई बी यानी के E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू है 3.6 × 10³ माइनस 4 × 10³। तो यहां से आपको ई बी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायरेक्शन देखते जाइए, जो डायरेक्शन होगी उसकी लगेगी जो बड़ा है यानी कि बी से लेफ्ट साइड की तरफ, ए पॉइंट पे जो डायरेक्शन आई थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ए से राइट हैंड की तरफ होगी। ये आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हम बात करेंगे सी पार्ट की। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे देखिए ये इस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, बाहर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ये माइनस है तो इससे अपनी की तरफ आता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया A2। अब आप देख रहे हैं 0.1 मीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तीनों एंगल आपके जो है वो 60-60 होते हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन डिवाइडेड लूं तो इसके सिमिलर आपका ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और इसके अपोजिट में ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा मिला के आपका हो गया 120 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 अब एक दूसरे से आपके 120 डिग्री पे, तो यहां पे हमें वेक्टर फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कि जब इक्विलेटरल का केस है और E1 से E2 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है KQ/R², तो यहां पे जो R है वो 0.1 सेम है, जो चार्ज है वो अब वो भी आपका सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 = E2 होगा मैग्नीट्यूड में, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, क्या होगा KQ/R² निकाल लेते हैं इसको। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q 10⁻¹ अपॉन R² तो डिस्टेंस है आपकी 0.1 और इसका स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 9 × 10³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारे आपका जो है वो वहां पे आ गया। अब यहां पे दो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो होगा वो हम लगाएंगे आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यहां पे रिजल्टेंट जो है आपका ईसी इस डायरेक्शन में आ जाएगा राइट हैंड साइड फ्रॉम पॉइंट सी, तो √a² + b² + 2ab cos θ यानी कि E1² + E2² + 2E1E2 cos θ। अब यहां पे 120 डिग्री जो है यही थीटा की वैल्यू है, तो ईसी आपका √E1² + E2² + 2E1E2 cos 120। cos 120 सभी जानते हैं कि माइनस का 1/2 होगा, तो EC = अब आपका ये जो E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर मैं इसको सिर्फ E कह दूं तो ये आपका हो गया E² + E² + 2EE, तो 2E² ठीक है देखते रहिए −1/2 देख रहे हैं आप, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका सिंपल, तो EC आपका 2E² और −E² क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका बचेगा सिर्फ √E², स्क्वायर जरूर हट जाएगा सिर्फ E, और E की वैल्यू है 9 × 10³ न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2 charges 1 + 5 µC एंड अनदर −5 µC आर प्लेस 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं अगर कहूं तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पे Q1 = Q2 मैग्नीट्यूड में बराबर है 5 µC, इसे Q कह दीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों चार्ज का क्या है बराबर है, डिस्टेंस जो है आपकी R हम कह सकते हैं वो आपकी 1 mm है, लेकिन याद करिए हम R डिस्टेंस को डायपोल मोमेंट के केस में 2L लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2L रखे या R रखे 1 mm अपार्ट, तो ये आपका 10⁻³ हो गया। हमसे पूछा गया है डायपोल मोमेंट, तो हमने पढ़ाया फॉर्मूला P = Q × 2L यानी कि दो जो चार्ज है उनमें से उनका मैग्नीट्यूड किसी एक का भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस
तो पी इक्वल्स टू क्यू 5 × 10⁻⁶ × 10⁻³ जो ये डिस्टेंस है, तो ये आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। दिस विल बी योर आंसर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री with respect to uniform electric field UEF, stand for uniform electric field, of 10⁴ N/C, experiences a torque of 9 × 10⁻²⁶ N/m. Calculate dipole moment of dipole. ठीक है, given लिख लेते हैं, क्या क्या given है हमको, theta हमको दे रखा है 30 degree, okay, no problem. Electric field हमको दे रखा है 10⁴ N/C, टॉर्क यानी कि टाउ हमको दे रखा है 10⁻²⁶ N/m, ओके हमसे पूछा है डायपोल मोमेंट, ओके हमने फॉर्मूला पढ़ा है टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, तो यहां से फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे, हमको चाहिए पी, तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है, टाउ की वैल्यू 9 × 10⁻²⁶, E की वैल्यू 10⁴ और साइन थीटा यानी के साइन 30। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 9 × 10⁻²⁶ अपॉन 10⁴ और साइन 30 की वैल्यू 0.5 यानी के 1/2, तो हमको यहां से मिल जाएगा आंसर 1.8 × 10⁻²⁹ कूलाम मीटर। दिस विल बी योर आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज of 1.1/3 × 10⁻⁷ कूलाम सेपरेटेड बाय 2 cm, द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 3 × 10⁷ N/c, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल। तो ये केस है जब हमें डायपोल पे लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क निकालना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे लगा सकता है, तो सबसे पहले हमें लिखेंगे गिवन, जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपकी 1/3 × 10⁻⁷ कूलाम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हम 2L लेते हैं वो है हमारा 2 cm यानी कि 0.02 मीटर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो है 3 × 10⁷ N/c, हमसे टाउ मैक्स पूछा गया है मैक्सिमम टॉर्क, तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस tau equals to PE sin theta, तो मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम, क्योंकि वेरिएबल फंक्शन यहां पे sin theta है, तो sin theta की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए और 1 होती है sin 90 की वैल्यू, तो theta equals to 90 degree हो गया कि theta की वैल्यू 90 degree होनी चाहिए मैक्सिमम के केस में, तो जब यहां पे रखेंगे therefore tau max, वैसे मैं अपने डेरिवेशन में भी बता चुका हूं कि मैक्सिमम टॉर्क में सिर्फ पीई होता है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, पी आपका होता है क्यू इंटू 2L और इंटू ई आपका यहां पे फॉर्मूले में है, तो मैक्सिमम टॉर्क आपका क्यू की वैल्यू है 1/3 × 10⁻⁷, 2L 0.02 मीटर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 × 10⁷ N/c, 10⁻⁷ से प्लस के 7 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये आपका 0.02 न्यूटन मीटर यूनिट ऑफ टॉर्क, ये आपका आंसर हो जाएगा यहां से, बहुत इजी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 cm, डाइपोल की लेंथ दे रखी है 10 cm। ठीक है, 10 × 10⁻²⁰ मीटर या इसको 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। Having charge of Q की वैल्यू दे रखी है 1 µC यानी के 1 × 10⁻⁶ कूलाम, at an equatorial point 12 cm from the center, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हमने x ले लिया 12 cm, तो 0.12 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो यहां निग्लेक्शन का केस नहीं बन रहा है, यहां निग्लेक्शन का केस नहीं है, तो निग्लेक्शन के केस ना होने पे हमारे पास जो फॉर्मूला है इक्वेटोरियल के लिए वो है हमारा के पी अपॉन x² + L²³/2। ठीक है, अब ये 2L की वैल्यू है और हमको यहां वैल्यू चाहिए L की, तो यहां से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो L इक्वल्स टू 0.1/2 मीटर आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।
तो के पी के की वैल्यू अब आप एज इट इज रखें, पी की जगह क्यू इंटू ट्वेल्व रख देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करेंगे इसको, ई इक्वेटोरियल, के की न्यूमेरिक वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है तो नो प्रॉब्लम, 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया, ठीक है। इंटू 2L, जो 2L की डिस्टेंस है वो है आपका 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 0.12 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो प्लस एल स्क्वायर यानी कि 0.1/2 एल की वैल्यू, उसका स्क्वायर और होल की पावर 3/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 4.096 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी योर आंसर। You're the one that's got me living for